हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से एक जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन, इसमें जो है दे आर लुकिंग फॉर द एमिनेंट साइंटिस्ट। तो मैं आपको बता दूं जो ये लुकिंग है, दे आर लुकिंग फॉर द एमिनेंट साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है वो टेक्नोलॉजिस्ट की निकाली गई है और एमिनेंट साइंटिस्ट की। तो जैसा कि पता है आपको कि CSIR का जो इंस्टीट्यूट 1942 में एस्टेब्लिश हुआ था, एक टाइप का ऑटोनोमस बॉडी है। और यहाँ पे जो है आपको जो है साइंटिस्ट की पोजीशन को निकाला गया, साथ ही साथ जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन को भी यहाँ पे निकाला गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं कि यहाँ पे CSIR में ऑलमोस्ट जो है 3,500 जो साइंटिस्ट है वो काम करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे सपोर्ट पर्सनल है वो 4,200 है। ऐसे यहाँ पे जो 5,000 जो पेपर्स है वो एनुअली जो है पब्लिश होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइक थिंग्स है जो CSIR में होती हैं या CSIR जिसके लिए जाना जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है निकाली गई। तो ये जो तो पेपर्स है 5,000 पेपर, जो कि बहुत बड़ी बात है, एनुअली जो है पीयर रिव्यूड साइंस जर्नल में जो कि हर साल छापे जाते हैं। तो ये सब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जो PhD स्टूडेंट है उनका नंबर भी ऑलमोस्ट 500 PhD स्टूडेंट जो है उनका पेटेंट हुआ है। तो ये सब जो CSIR की जो लाइक उपलब्धियां हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी इसके इंट्रोडक्शन के पेज में। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि आपको इसमें जो साइंटिस्ट की पोस्ट को निकाला गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द लैब ऑफ पोस्ट है मेंशन कर रखा। तो देखिए ये CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक पोजीशन निकाली गई है साइंटिस्ट की, तो जो पोजीशन है वो 1 है। और अगर बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो देखिए यहाँ पे जो आपको स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए वो डेवलपमेंट में होना चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन आप बहुत ध्यान से देखें कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसके वो आपका जो है पार्टिकुलर डिग्री में है कि नहीं है। जैसे इसमें रिफ्रैक्टिव मेटल्स में आपका जो है होना चाहिए आपका स्पेशलाइजेशन, या डेवलपमेंटल ऑफ सोशल स्टील्स या एलॉयज में आपका जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक अच्छी चीज़ दी कि यहाँ पे एरिया ऑफ वर्क भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ वर्क जो है वो भी यहाँ पे आपको दिया रखा है। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो कि नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सिकोलॉजी रिसर्च, जिसे हम IITR भी बोलते हैं, इसे हम लोग IITR भी बोलते हैं, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड। यहाँ पर भी एक वैकेंसी को निकाला गया है साइंटिस्ट की 1 वैकेंसी। और यहाँ पर जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी में होना कंपलसरी। तो अगर आपने अपना PhD जो है मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी में किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए जो एरिया ऑफ वर्क है वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो लैब्स हैं CSIR की, जैसे CDRI होगी ये भी लखनऊ में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो पोजिशन है वो 1 है। और यहाँ पर अगर बात करें स्पेशलाइजेशन का, तो आपको यहाँ कैंसर इम्यूनोथेरेपी एंड एंटीनोप्लास्टिक बायोलॉजिकल्स में आपका जो है PhD होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको जो है बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी और डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको यहाँ पे लेबोरेटरी भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि CSIR की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो नोटिफिकेशन निकाला गया है यहाँ पर वैकेंसी 1 है। और स्पेशलाइजेशन जो मांगा है वो डेवलपमेंट एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंडियन रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। तो इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है ऑलमोस्ट जो है जितने भी लैब्स CSIR की, जैसे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि 1 ऑफ द बेस्ट लैब है केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए, तो CSIR IICD से बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जो पोस्ट है वो निकाला गया है। और यहाँ पर देखिए ड्रग डिस्कवरी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में एरिया ऑफ वर्क भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो साइंटिस्ट की पोस्ट है वो ऑलमोस्ट लाइक इंडिया में जितने भी CSIR इंस्टीट्यूट है वो सबके लिए निकाली। तो देखिए ये नेक्स्ट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो देखिए ये जो लेबोरेटरीज है सब फेमस लेबोरेटरी है CSIR की। और ये जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे में सिचुएटेड है, यहाँ पर भी 1 पोजीशन है। और यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो सरफेस साइंस और हेटरोजीनस कैटालिसिस में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम NCL की। तो देखिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये भी पुणे में है, यहाँ पर भी 1 पोजीशन को निकाला गया है। यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं हॉलो फाइबर्स एंड प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में जो है आपका यहाँ पे लाइक होना चाहिए आपका स्पेशलाइजेशन, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको जो है मैक्सिमम देखिए ये जितने भी CSIR के इंस्टीट्यूट है ये है CCMB, जो कि 1 ऑफ द लाइक
फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है CSI का, जहाँ पे अभी कोविड की टेस्टिंग भी चल रही है, कोविड की टेस्टिंग भी यहाँ पे चल रही है जो कि गिने चुने सेंटर्स में हो रही है RT-PCR के थ्रू। यहाँ पे RT-PCR के थ्रू जो है आपका कोविड की टेस्टिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर पोजिशन वो 1 है, और आपका यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो स्ट्रक्चर बायोलॉजी एंड फंडामेंटल मैकेनिक्स में होना चाहिए, तब आपकी लिस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो CSIR का ये CCM भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखिए जो है ये CSIR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद भी सिचुएटेड है, यहाँ पर भी 1 पोजीशन निकाली गई है, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका कोल पेट्रोलॉजी में होना चाहिए या कोल कैरेक्टराइजेशन में। तो इसमें अगर आपको स्पेशलाइजेशन तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट मेंशन कर रखे हैं, जैसे सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रिड़की में सिचुएटेड है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और स्पेशलाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर बाय फायर टेक इंजीनियरिंग फॉर कंक्रीट एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए आपका, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी जो है इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, जैसे ये सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि CSIR के जितने भी इंस्टीट्यूट उसमें सारे सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे पोस्ट को निकाला गया, तो यहाँ पे आपके स्पेशलाइजेशन नॉर्मल लेदर साइंस में हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी है, तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो नंबर पोजिशन है वो 1 है, आप मेंशन कर रखी है। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे देखिए सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में जो सिचुएटेड है वहाँ पर भी जो है एक पोजीशन को निकाला गया है, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका लेदर साइंस में होना चाहिए, और एरिया ऑफ वर्क जो है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने जो है अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूट मेंशन कर रखे। आप बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो ये बहुत ध्यान से आप देखिए कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपका स्पेशलाइज है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है PhD, जैसे मैंने आपको बताया PhD कंपलसरी होनी चाहिए साइंस में, सोशल साइंस में, या आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या हेल्थ या मेडिकल साइंसेस में, ठीक है। तो ये सेंसर क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपका PhD होना चाहिए मेडिकल साइंसेस में या आपका इंजीनियरिंग साइंसेस में। इसके अलावा क्या है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सबसे बेस्ट है, और आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आपको मिनिमम 16 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में, तब तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिल सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कहीं भी साइंटिस्ट की पोस्ट पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तब भी आपको यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करें एज की, तो यहाँ पे एज जो है वो 45 ईयर्स यहाँ मेंशन कर रखी है कि आपकी एज जो है मिनिमम 45 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन, जैसा कि आपको पता है रिलैक्सेशन जो है सबको मिलता है, तो ये जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो विद द अप्रूवल ऑफ डिजिटल डायरेक्टर जनरल जो है CSIR के, जो कि शेखर मंडे, सबको पता है डॉक्टर शेखर मंडे, तो उनके अकॉर्डिंग जो है जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, जैसे आपको सबको पता है। अब बात कर ले टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टेन्योर कितना रहेगा। तो देखिए इस पोस्ट के लिए चाहे वो साइंटिस्ट की हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिनिमम जो है ये जो आपका जो पीरियड रहेगा वो 5 ईयर्स रहेगा, या इसे बढ़ा के जो है आपका टिल सुपर एनुएशन तक भी किया जा सकता है, ठीक है। तो या तो आपका 5 ईयर रहेगा या आपका टिल सुपर एनुएशन तक आपका जो है यहाँ पे टेन्योर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेड का, तो यहाँ पे आपको जो पे ग्रेड मिलेगा वो लेवल 15 का मिलेगा, यानी कि आपको जो 182,200 to 224,100 रुपीज का जो है यहाँ पे आपको जो है मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको एकोमोडेशन इसके साथ दिया जाएगा, जैसा कि पता है कि आपको आपके एमोलूमेंट के साथ एकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, LTC मिलेगा, और अदर फैसिलिटी मिलेंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो आपको ये सारी जो फैसिलिटी वो भी यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। अब बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो जो है प्रोविजनल है, मीन्स इसका नंबर जो है वो बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है फुल नहीं है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, तो ये जो वैकेंसीज है वो बढ़ घट सकती है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अपने जितने भी पब्लिकेशन है, पेटेंट्स हैं अगर आपके पास, ठीक है, या आपको अपना बायोडाटा हाईलाइटिंग योर साइंटिफिक एंड ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये सब जो है आपको सेंड कर देना बाय मेल, और यहाँ पे मेल आईडी मैसेज कर रखिए DRC@CSIR.res.in पे, और बाय पोस्ट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट सेल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अनुसंधान भवन 2 रफी मार्ग न्यू दिल्ली
11001। तो यहाँ पे देखिए आप बाई पोस्ट भी अपना जो बायोडाटा है वो आप अलॉन्ग विद योर साइंटिफिक एंड ट्रांसलेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस अलॉन्ग विद और योर पब्लिकेशन पेटेंट वॉट एवर यू हैव यू कैन सेंड इट बाई मेल ऑल्सो, और इफ नॉट देन यू कैन सेंड बाई पोस्ट ऑल्सो। तो लाइक सेंडिंग एड्रेस लाइक सॉफ्ट कॉपी जो है आप मेल भी कर सकते हैं, और जो हार्ड कॉपी है वो आप जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है इस पार्टिकुलर एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। अब आपके लास्ट डेट, तो लास्ट डेट जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है वो 15 फरवरी है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। तो 15 फरवरी 2021 तक जो है आपका जो है लाइक एप्लीकेशन में पहुंच जाना चाहिए CSIR के पास। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, तो आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है अपना जो भी आपके पास डिग्री या स्पेशलाइजेशन है या आपके पास जो सर्टिफिकेट वो सब जो है आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो फिलअप कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।